धर्मा प्रोडक्शंस की नई फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। निर्देशक हैं करण जौहर, जिन्हें हिंदी फिल्में निर्देशित करते करते 25 साल हो गए। उनकी पिछली फिल्म मैं दिल है मुश्किल 2016 में रिलीज हुई। ये फिल्म भी बनकर पिछले साल अगस्त में ही पूरी हो गई थी। फिल्म में वो सब कुछ है जिसके चलते हिंदी सिनेमा को पश्चिमी मीडिया ने बॉलीवुड कहना पुकारना शुरू किया। कहानी का सार दो बुजुर्गों की अधूरी प्रेम कहानी है और विस्तार है मौजूदा दौर के दो विपरीत ध्रुवों जैसे किरदार का हाहाकार मचाता प्यार। दोनों को एक दूसरे के परिवार का भरोसा जीतना है और एक दूसरे के लिए टू सीट जैसी गलियों से गुजरती हुई ये फिल्म उस चौराहे पर आकर सारे किरदारों को एक साथ ले आती है जहां से बचकर गुजरना किसी के बस की बात नहीं। करण जौहर की फिल्म हो और किस फिल्म कलाकार के बूते की बात है वो इसका ईमानदारी से विश्लेषण कर सके तो रिलीज से 3 दिन पहले से ही इसकी तारीफों के कसीदे गड़े जा रहे हैं। प्रेस शो से पहले 4 स्टार वाला रिव्यू सोशल मीडिया पर तैरता है। प्रेस शो ऐसी शाम है जब मुंबई में आसमान मूसलाधार बरस रहा है। रिलीज का दिन पहला शो सुबह 8 बजे है। ऑनलाइन बुकिंग में जितनी सीटें फुल दिखी सिनेमा घर पहुंचने पर उतने लोग दिखाई नहीं देते। 160 करोड़ रुपए सिर्फ फिल्म बनाने में लगे। 20 करोड़ रुपए बताते हैं कि इसके प्रचार और सिनेमा हॉल में फिल्म को कम से कम 2 हफ्ते लगाए रखने के लिए भी खर्च हो चुके हैं। मतलब 18 करोड़ रुपए से कम की ओपनिंग फिल्म के नाम पर पट्टा लग सकती है। करीब 3.5 घंटे की फिल्म में वो सब फूट फूट कर भरा है जिसे देखने के लिए ओपेनहाइमर जैसी फिल्मों पर लट्टू हो रही पीढ़ी को सिनेमा घरों तक खींच कर लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी फिल्म रॉकी और रानी की कहानी देखना अपने ही धैर्य का इम्तिहान लेना जैसा। रंधावा और चटर्जी परिवारों के बीच पारिवारिक संस्कारों और लोक व्यवहारों विचारों का ये सीधा मुकाबला है। रॉकी कुपड़ है और रानी जमाने को आईना दिखाने की कोशिश करती बला। दोनों का अपना अपना पेशा है, पेशे के हिसाब से दोनों के किरदार लिखे गए। बस लेखक ये समझाना भूल जाते हैं कि रॉकी के परिवार के पास जब इतना पैसा है तो फिर उन्होंने अपने बेटे को कायदे से पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं। इशिता मोइंद्रा, सुशांत खितान और सुमित रॉय ने भर भर कर उपदेश कहानी में ठूसे हैं। महिला सशक्तिकरण से लेकर के लिंग भेद, सामाजिक विभेद और वर्ण भेद का सब कुछ इस कहानी में है। बस अफराद की अमीरी के चौंधिया देने वाले मुलम्मे के साथ दर्शकों को अपनी पकड़ में लेने के लिए फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी कोई 50 मिनट यूं ही गुजार देती है। दर्शक अपनी सीट में कसमसा रहे हैं, कुछ आपस में बतिया रहे हैं, पुतिया भी कसी जा रही है। आम दर्शकों के साथ फिल्म देखने का यही अनुभव है। यहाँ पास में बैठा दर्शक पहले से तय परिणाम के साथ फिल्म नहीं देख रहा, उसे जो सामने पर्दे पर दिख रहा है वो उसे वैसे ही ग्रहण कर रहा है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के आपसी संवाद कई बार लगता ही नहीं कि दो सम्राट परिवारों के बच्चों के बीच होने वाली बातचीत है। यूं भी लगता है कि जैसे दोनों के गली बॉय वाले किरदार बस शानदार कपड़े पहनकर दो अमीर घराने में चले आए। रानी को ज्ञान देते रहने की बीमारी सी है और रॉकी को देखकर ऐसा लगता है कि वो फिल्म कोई मीडिया के रोहित मेहरा का बिगड़ा हुआ संस्करण है। निर्देशक करण जौहर के लिए फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का चलना बहुत जरूरी है। बतौर निर्माता उनकी फिल्म धर्मा प्रोडक्शन पिछले 10 साल में 40 के करीब फिल्में बना चुकी। इनमें से कितनों के नाम दर्शक तुरंत गिना सकते हैं कहा नहीं जा सकता, लेकिन थोक में बनने वाली इन फिल्मों पर फूट कर बाजार में उतरी OTT कंपनियां लहालोट रही हैं। सिनेमा अब सिर्फ कारोबार है, सामाजिक सद्भावना, सामूहिक मनोरंजन और समावेशी संस्कृति इसकी झोली से कब की छुट्टी ले चुके हैं। टीजर से लेकर के ट्रेलर तक के व्यूज, पहले दिन की ओपनिंग और फिर पहले वीकेंड का कलेक्शन, सारा ध्यान अब इसी पर है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी इसी खेप की फिल्म है। चटक रंग है, तड़क भड़क है, नृत्य में मशीनी मुद्राएं हैं, चेहरे पर टूटे मेकअप में छिपी कुंठाएं हैं। बस नहीं है तो सिनेमा की वो आत्मा जो कभी खुद करण जौहर की सिनेमा की जान हुआ करती थी, अब तो बस एक शोरूम है जिसमें बीती सदी के सितारों से लेकर नई सदी के वरुण धवन, सारा अली खान, अनन्या पांडे और जानवी कपूर तक बस सजे हैं। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एक्सक्लूसिव तड़का।